नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाइना को सारे देशों के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों की आंख उठाकर देखने की अब गलती भी ना करे चीन। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर तैनात करने जा रहा है भारत एक नया विमान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका में कोरोना पर चीन को कोर्ट में घसीटने की इजाजत देने वाला बिल पेश कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को पाकिस्तान ने भी दिया है तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, कौन से चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगाया है पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही रेलवे शुरू करने वाला है नई ट्रेन सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम आपको सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी स्कीम, सारी बड़ी योजनाएं बताने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने भाई बंधुओं में। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे आंख उठाकर देखने की गलती ना करे चीन, सीमा पर तैनात होगा MiG-29 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन में सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में निगरानी के लिए भारतीय नौसेना के P-81 विमान तैनात है। इसी बीच नौसेना ने फैसला लिया है कि समुद्री लड़ाकू जेट MiG-29 के को उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। पड़ोसी देश के साथ भारत का पिछले लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि हाल के समय में चीन झुकने को मजबूर हुआ है। भारतीय वायुसेना यानी IAF के ठिकानों पर नौसैनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुरूप है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। ऐसे में दोस्तों, चाइना को पूरी टक्कर देने में भारत जुटा हुआ है। ऐसे में आप किस प्रकार से भारत के साथ दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो अमेरिका में कोरोना पर चीन को कोर्ट में घसीटने की इजाजत देने वाला बिल पेश कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कई प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसदों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी फैलाने में चीन की भूमिका के लिए उस पर संघीय अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाला एक विधेयक सोमवार को सीनेट में पेश किया। कोरोना पीड़ितों के लिए नागरिक न्याय कानून संघीय अदालतों को उन दावों को सुनने का अधिकार देता है। कोरोना के लिए चीन जिम्मेदार है या उसने इसे फैलाने में काफी योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका में भी बिल पास कर दिया गया है जिसमें चाइना को घसीटने की बात कही गई है कोरोना वायरस पर लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशन से कहा है कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो होगी पूरी तरह से कार्रवाई। बताते हैं, चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगाने के बाद सरकार ने मंगलवार को उन्हें निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बताते हुए 29 जून को टिकटॉक, कैम स्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। सरकारी सूत्रों ने PTI से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी कंपनियों को लिखते हुए चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधित एप्लीकेशन का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ऑपरेशन न सिर्फ अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध भी है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने बताया, कोई भी प्रतिबंध एप्लीकेशन भारत के अंदर किसी भी इस्तेमाल के लिए कंपनी की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है तो इसे सरकार के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या सही कदम उठा रही है अपनी भारतीय सरकार, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, LAC पर है करीबी से नजर। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका एक तरफ जहाँ दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजिंग को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे रहा है। भारत के साथ हिंद महासागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने कहा कि चीन की तरफ से विवादित स्थल और उसके आसपास सैन्य अभ्यास उसकी प्रतिबद्धता से स्पष्ट रूप से असंगत है, जो 2002 में दक्षिण चीन सागर में पार्टियों के आचरण पर घोषणा की गई थी। हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP अपने रास्ते को बदलेगी, लेकिन हमें इसके विकल्प पर अवश्य तैयार रहना होगा।
होगा। तो दोस्तों ऐसे में पूरी तरह से अमेरिका ने चाइना को चेता दिया है कि अगर भारत के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ या किसी प्रकार की आपत्ति आई तो हम चाइना को बख्शने वाले नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप लोग अमेरिका के कितने साथ देने वाले हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा चीन, भूटान के कुछ इलाकों पर अपने दावे का किया बचाव। जी हां दोस्तों, चीन ने भूटान में सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर अपने हालिया दावे का मंगलवार यानी 21 जुलाई को बचाव करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच अभी सीमांकन नहीं हुआ है और उसने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए पैकेज समाधान पेश किया है। चीन ने हाल ही में वैश्विक पर्यावरण केंद्र परिषद में अभयारण्य पर अपना दावा जताते हुए इसके वित्त पोषण का विरोध किया था। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन को पाकिस्तान ने भी दिया झटका, बीगो एप्लीकेशन पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, टिकटॉक को भी दी चेतावनी। बता दे पाकिस्तान ने लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बीगो पर प्रतिबंध लगा दिया है और वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अनैतिक कंटेंट परोसने को लेकर अंतिम चेतावनी जारी की है। डिजिटल अधिकार समूहों का कहना है कि वे इस प्रतिबंध को चुनौती देंगे क्योंकि वीडियो गेम को सेंसर किए जाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इस महीने के शुरू में लाहौर हाईकोर्ट में एक नागरिक कई याचनाएं दायर की थी जिसमें टिकटॉक पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने एप्लीकेशन कहा कि एप्लीकेशन आधुनिक समय की बड़ी शरारत है और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट फैलाने का एक स्रोत बन गया है। दूर संचार नियामक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सोशल मीडिया एप्लीकेशन विशेष रूप से टिकटॉक और बीगो पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली थी जिस पर बीगो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि चाइना की जी हजूरी करने वाला पाकिस्तान चाइना के एप्लीकेशन को बैन कैसे कर सकता है? क्या आप भी चौंक गए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो नेपाल की सत्ताधारी पार्टी की बैठक 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो चीन की कुटिलता और भारत के साथ संबंधों पर खुलकर बोले ताइवान के राजदूत। जी हां दोस्तों, चीन भारत सहित पूरी दुनिया के लिए परेशानी बना हुआ है। कोरोना महामारी के दौर में भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। भारत में ताइवान के शीर्ष राजनयिक ने मीडिया के सहयोगी चैनल वियोन के साथ विशेष बातचीत में कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, चीन ने ताइवान को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ताइवान के कार्यवाहक राजदूत जैक सी चेन ने कहा, चीन ने महामारी को भी दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति के विस्तार करने के अवसर के रूप में देखा है। भारत ताइवान संबंधों पर बोलते हुए राजनयिक ने कहा कि महामारी से लड़ाई में ताइवान और भारत के संयुक्त प्रयास के चलते दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत साझेदार बनेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो विद्युत जामवाल ने विश्व में ऊंचा किया भारत का नाम, व्लादिमीर पुतिन और बेयर ग्रिल्स के साथ इस लिस्ट में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल फिल्मों में अपने खतरनाक स्टंट और एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने इस हुनर के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना ली है। विद्युत ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है जिससे वो व्लादिमीर पुतिन और बेयर ग्रिल्स जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए। जी हां दोस्तों, दरअसल द रिचेस्ट ने दुनिया भर के लोगों की लिस्ट जारी की है जिनसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। इसमें भारत से सिर्फ मार्शल आर्ट्स ट्रेंड एक्टर विद्युत जामवाल का नाम। ऐसे में दोस्तों आप विद्युत जामवाल को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा जो भारत का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। एक और खबर की माने तो कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर सुनाई खरी खोटी, अब कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि इस विश्वव्यापी समस्या के लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यदि चीन चाहता तो वायरस को रोक सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वायरस को यूरोप और अमेरिका जाने दिया और अब यह एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है जिसके लिए चीन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ट्रंप ने कोरोना से लड़ाई में अपनी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वैक्सीन और चिकित्सीय मोर्चे पर बेहद सकारात्मक कार्य किए हैं। ऐसे में अगर आप भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ब्रिटेन ने चीन को दिखाए तेवर, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटेन ने सोमवार को उसके यानी हांगकांग के साथ अपनी
की प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने कहा कि उन्हें नए कानून तथा चीन में खासकर उइगर अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंता है। ऐसे में चीन पर लगी हथियार पाबंदी का हांगकांग तक विस्तार किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों हांगकांग में लागू नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का आप लोग बहिष्कार करते हैं पूरी तरह या फिर स्वीकार करते हैं, आप क्या करते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सऊदी अरब में आईपीएल होना लगभग है तय। आईपीएल चीफ ने दी ये अहम जानकारी। बता दें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इस साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में कराने के लिए अरब सरकार से इजाजत मांग रही है। इसका मतलब लगभग ये तय हो चुका है कि इस साल का आईपीएल यूएई में ही खेला जाएगा। आईपीएल चीफ ब्रजेश पटेल ने इसकी पुष्टि की है। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना था जो स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में बीसीसीआई सितंबर अक्टूबर और नवंबर के विंडो में आईपीएल करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आईपीएल मैच देखना बहुत पसंद है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो श्रीलंका ने किया है दावा कि रावण ने उड़ाया था पहला विमान, 5 साल में कर देंगे इस बात को साबित। कहा जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम पर विवादित बयान देकर इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काफी चर्चा में हैं। ओली के बाद अब श्रीलंका ने राम के दुश्मन रावण को लेकर बहस छेड़ दी है। श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी ने दावा किया है कि 5000 साल पहले रावण ने पहली बार विमान उड़ाया था। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में एक विज्ञापन भी जारी किया है जिसमें लोगों से रावण के बारे में कोई भी दस्तावेज शेयर करने को कहा गया है। यह विज्ञापन पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय ने अलग अलग समाचार पत्रों में जारी किया। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, जहां पर राम और रावण को लेकर बड़ी राजनीति की जा रही है देशों के बीच में, ऐसे में आपका क्या राय है जरूर बोलिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका को विभिन्न संस्कृतियों के देशों के साथ रहने के लिए तैयार होना होगा। जी हां दोस्तों, चीन का कहना है ये। दरअसल अमेरिका में चीन के राजदूत कुई टियांगकई ने एक इंटरव्यू में कहा है अमेरिका को अपने से अलग राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों के साथ रहने के लिए तैयार होना होगा। इंटरव्यू के दौरान कुई ने चीनी अमेरिकी रिश्ते कोरोना के साथ साथ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के कानून की भी चर्चा की। उन्होंने कहा हमें निश्चित ही दुनिया के सभी देशों की तरह ये कानून अधिकार है कि अपने देश को एक आधुनिक मजबूत और समृद्ध देश बनाए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो ईरान का कहना है दोस्तों कि भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरें पूरी तरह से अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि कुछ ताकतें दोनों देशों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह की खबरें फैला रही हैं, लेकिन वे शक्तियां अपने इरादों में कामयाब नहीं।